अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाक 22 न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। आरिफ हुसैन मखवी की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलहज रात 8 बजे रिहायशगाह परवेज इकबाल मोहल्ला नूरपुर सईदा पट्टे गुजरात में हजरत काजी अब्बास अलमदार कालम पाक जलवार सैयद जाबर अब्बास कासमी जाकिर सैयद मिसम शफकत मोहसिन कासमी सैयद सलमान बाकिर कासमी ने नस्ब किया। अलम पाक की तंजीम के मौके पर मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया जिसमें मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। बरादरान इस्लाम से शहर गुजरात के नौजवान शायर हाजी ताहिर अब्बास जाकिर सैयद मेसम शफकत मोहसिन काजमी और जाकिर अमजद हुसैन BNA खिताब करते हुए कहा कि हजरत अब्बास अलमदार कमर बनी हाशिम जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैहा की दुआ का नतीजा है। हजरत अब्बास अलमदार अजीम तरीन सफात और फजाइल का मजहर है। शायर अहले बैत हाजी ताहिर अब्बास ने बयान करते हुए कहा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना हकीकी इमाम खुदाई नुमाइंदा और अहल इस्लाम समझते हुए आपकी खातिर तमाम मसाइब मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जान उन पर कुर्बान कर दी। मजलिस अज़ा में नाज़िम मेंबर के फ़राइज़ गुजरात की मरूफ शख्सियत आरिफ हुसैन मखवी ने सर अंजाम दिए। मजलिस के आखिर में बानी मजलिस जाकिर अमीर हैदर की तौफीकात में इजाफे की खातिर बीमारियों की शफा की खातिर और उनके मरहूमैन की मगफरत की खातिर ख़ुसूसी दुआ की गई। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआएं की गई। मोमिनीन के लिए लंगर हुसैनी का वसी तरीन इंतजाम किया गया था।